वैसे पैदा मैं बरसाने में हुआ। पढ़ाई लिखाई मैंने बंगाल में पूरी की। अब बंगाल से ही नहीं भर्ती हुआ, उपलब्धि ऐसा है 75 में भर्ती होने के बाद मैं 78 से लेके 85 तक मेरा तहलका रहा। मैं काफ़ी डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अचीवमेंट्स वगैरह देता रहा और डिपार्टमेंट से मुझे कैश रिवार्ड और कमेंडेशन एंट्रियाँ मिलती रहीं। उसके बाद में फिर मैंने डिपार्टमेंट से काफ़ी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स कोर्स किया। उसके बाद में स्पेशल यूएससी कोर्स किया। स्पेशल यूएससी कोर्स के अंदर में सारी कलाएं हैं, एकीडो है, यवारा है, सपाटे है, कुंगफू है, बॉक्सिंग है, मेडिटेशन है, जूडो है, तो मतलब मिक्स ही मार्शल आर्ट। उसके अंदर भी मेरी अच्छी मतलब स्पर्धा रही अपने बीच के अंदर में। उसके बाद में मैं चयनित होकर एडवांस जिमनास्टिक कोर्स में मैं गया। एडवांस जिमनास्टिक कोर्स के अंदर में 25 आदमी इंडिया से सेलेक्ट किए गए थे, तो उसके अंदर ही मेरा अपना अच्छा रिमार्क्स रहे। नहीं, मैराथन धावक के रूप में आने के बाद में मैंने सिविल के अंदर जब मैं आया, आने के बाद में समाज को डेडिकेट करने के लिए मैं स्पोर्ट्स भी करता रहा, बाद में अपना ये भी करता रहा। तो अभी मैं मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन जो है उसके अंदर भी मेरा नाम रजिस्टर है एज ए सेक्रेटरी। और उसके बाद में फिर मेरा जो है मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी मेरे को आईडी कार्ड मिला है। अगर विदेश में इंडिया से चयनित के बाद विदेश में खेलने के लिए मेरा चयन की संभावना है, तो जब मैं जाऊंगा उसमें और भी अच्छा अचीवमेंट दिया जाएगा। पिछली बार हैदराबाद में अचीवमेंट वगैरह सही रहे, क्योंकि उसमें एंड टाइम कुछ मोड ऑफ ट्रेवल की वजह से मेरा आइटम में जो चेंज करना पड़ा, फिर भी मेरा क्या है, फिर बाद में वहाँ पर जो विशेष करके मैं कन्याओं को ज़्यादा डेडिकेट करता हूँ, घर में एक बेटिया शिक्षित है तो साथ सिस्टर अच्छी होती हैं, तो सेव टू चाइल्ड गर्ल उनका प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर उन्होंने मुझे एज ए अतिथि के रूप में बुलाया और उनके साथ में मैंने 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर में बच्चों के साथ में स्पर्धा में भाग लिया। बालकों में लगा मैं, उसके बाद में ऑन मतलब क्या एज ए रिक्वेस्ट मैं हनुमान प्रसाद धानुका में गया था। हनुमान प्रसाद धानुका के अंदर में जूडो और के अंदर विशेष करके लड़कियां को मतलब कि जो उसमें भावना राजपूत वगैरह जैसी बच्चियां हैं और भी बच्चियां थी, उन्होंने अच्छा इंडिया को अचीव किया है और उन्होंने अभी वो अच्छा नाम दिया उन्होंने। तो उसके बाद में फिर मेरा क्या, मैंने फिर हनुमान प्रसाद धानुका छोड़ने के बाद में फिर सिविल में भी काफ़ी बच्चे अपने जैसे वेद प्रकाश पांडे हैं या सोनू निषाद हैं, इनके साथ मिल के इन बच्चों से कुछ सीख लेके, क्योंकि हमारी जो सिखलाई होती है बेसिकली उसमें क्या होता है कि आदमी को मार दो अपना बचाव कर लो, लेकिन इनसे फिर आगे मैंने कुछ सीखा है, पॉइंट कैसे देते हैं, कैसे क्या होता है, तो वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद में मैंने किक बॉक्सिंग का नेशनल जज भी हूँ, रेफरी भी हूँ, और वैसे जब मैं कराटे का टेस्ट के सिविल के अंदर देने गया था उस समय मुझे ब्लैक बेल्ट सोदान हो से सम्मानित किया गया, और फोर डान में टाइकंडो से भी हूँ। तो ऐसा नहीं कि आदमी कभी कभी ये कहता है कि मेरी उम्र ज़्यादा होगी मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्या है आज की युवा पीढ़ियों को, आज के युवा व्यक्तियों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आफ्टर 50 के बाद में अपने ही बच्चे अपने माँ बाप को डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन आज आदमी की असली लाइफ जो है 50 के बाद शुरू होती है। तो ऐसा नहीं, आज के देश के जो बुजुर्ग समुदाय है, जो परिवार है, तो वो भी विशेष करके मेरा संदेश उन बुजुर्गों के लिए है जो मतलब इस उम्र में आके सोचते हैं हम कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, अगर वो मेहनत करें और कंधा से कंधा मिला के चलाएँ तो वो अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। मोटिवेट करने का क्या है कि एक स्पर्धा है, मोटिवेट करने के बाद में वो एक आदमी एज का आदमी सोचता है, जैसे करके हम 60 और 60 प्लस में आने के बाद में मैराथन देते हैं या हाफ मैराथन करते हैं, वो नहीं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, वो आज का युवा उस चीज़ को लेके अपने आप को उत्साहवर्धक हो। ये हम लोग क्या, अगर मुझे इस उम्र में कोई मेडल भी देता है या कैश रिवार्ड दे दो तो मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मुझे कोई नौकरी पर रखेगा नहीं, एक सारी गवर्नमेंट जॉब मेरे हाथ से गई। लेकिन हम इसलिए करते हैं कि आज के देश का युवा अपनी बॉडी के अंदर घुन ना लगाए, वो मेहनत करे और मुकाम को हासिल करे, क्योंकि देखिए जिस देश की संस्कृति के अंदर में बच्चा मजबूत है वो देश हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, और जिस बच्चे के देश के अंदर नई पीढ़ी के अंदर में आराम करने का गुण, फालतू बातों का गुण लग गया, वो देश कभी भी उन्नति नहीं करेगा। विशेष करके मेरी ये यही
अपने देश की उन बालिकाओं के लिए है। मेरा अब मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हमारे घर में एक बिटिया शिक्षित है तो 7 पुस्तें तक उसकी शिक्षित होंगी, और ज़्यादा करके मार्शल आर्ट्स जो है ये विशेष करके बालिकाओं के लिए है, क्योंकि इनके जो इनके अंदर में मार्शल आर्ट्स के अंदर जितनी एक्सरसाइज है वो फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज है। जब मैं विशिष्ट दस्ते से, विशिष्ट आदमी की सुरक्षा दस्ते से जब मैं वायन से कराटे सीखने गया था या वहाँ मार्शल आर्ट्स की और भी आगे एडवांस क्लासेस, तो हम लोग को काफ़ी टेंट करके भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर मेरी सिखाने वाली एक बच्ची थी जिसने मेरे को फर्स्ट राउंड में ही, तो मतलब क्या है कि एक मार्शल आर्ट विशेष करके बालिकाओं के लिए है, और उसमें मेडिकेटेड एक्सरसाइज हैं कि मार्शल आर्ट की जितनी एक्सरसाइज है ओवेरी पे है, और जिस बच्चे की ओवेरी मजबूत है वो बच्चा हमेशा मजबूत ही रहेगा। इसे विशेष करके महिलाएँ आत्मसुरक्षा, आत्मविश्वास, और वैसे मैं आपको बताना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहूँगा, अभी जो NDA का रिजल्ट आया उसके अंदर में लड़कियों ने ज़्यादा अचीवमेंट लिया, CDS का रिजल्ट आया उसमें बच्चियों ने आया, गवर्नमेंट ने भी 40% जो है बालिकाओं के लिए कर दिया है, इसलिए बालिका भी इस क्षेत्र में आए। पहले युग था कि बाप बेटी में और बेटे में फ़र्क मानते थे, लेकिन अभी कोई बेटा बेटी एक सिमिलर, जमाना काफ़ी बदल गया है और बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में आए। देखिए एक कुश्ती, देखिए एक चीज़ है, मेरा एक अनुभव है, लेकिन मैं किसी भी गेम के खिलाफ नहीं हूँ, ना कुश्ती के खिलाफ हूँ ना बॉडी बिल्डिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन बॉडी के अंदर में हमेशा आदमी को फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज देनी चाहिए, फ्लेक्सिबल जिससे लचीलापन आ सके, फ्लेक्सिबल प्लस डार्सल हैविंग के अंदर क्या होता है कि आदमी को उसकी लास्ट लाइफ में जब वो 40 या 45 के अंदाज में जाता है तो उसकी बॉडी के जो जोड़ है वो आपस में खिंचने लगते हैं और उससे उसको पेन होता है, उसको वो ज़्यादा उसको दुखदायी होता है। इसलिए ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कुश्ती गलत है, मैं इस बात को कभी नहीं कहूँगा, या हैविंग गलत है, लेकिन क्या लिमिटेड चीज़ें आपको क्या है? अभी जैसे आपका कुश्ती करने वाला बच्चा जो है वो उसके लास्ट लाइफ में उसके लिए, जैसे गामा पहलवान थे वो मथुरा से ही थे, और जब वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के अंदर जब पाकिस्तान गए तो वो खुद आखिरी जीवन में रोया करते थे, या खुदा ये पहलवानी का पैसा किसी को ना सिखाना। तो ऐसा नहीं है, पहलवानी के अंदर में आदमी का जोड़ों में इसलिए क्या, इसलिए विशेष करके मैं इस बात को रिकमेंड करता हूँ, पहलवान पहलवानी करें लेकिन साथ में डार्सियल और फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज पे भी जोर दें ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहे। देखिए डांस का एक चीज़ है कि जितनी आपके एक्सरसाइज हैं डांस के अंदर में वो ज़्यादा उसकी जो 10 मिनट के अंदर में आदमी डांस के अंदर में 1 घंटे की जो कैलोरी उसको कवर कर लेता है, क्योंकि उसका क्या स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है डांस के मुताबिक चलता है। और ऐसा नहीं कि मैं जितने यूथ आते हैं मथुरा के अंदर होता है, मथुरा में वो नम्रता जी कराते हैं वो, तो उसके अंदर में मेरा डांस होता है तो मेरा सबसे सुपर जाता है, इसलिए नहीं कि मैं उसमें सुपर हूँ, लेकिन क्या किसी चीज़ को आप दिल से करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगी। मेरे को कोई भी गाने की मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता, सीधा धुन बचाइए और मेरे को थोड़ा सा ये पहले बता दीजिए आपको इस गाने पर आना है, धुन के हिसाब से मैं अपने आप स्टेप उसके देता जाऊँगा और स्टेप मेरे बढ़िया ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मथुरा के अंदर में विशेष करके देखिए एक चीज़ है कि मैंने एक विशेष रियलाइज़ किया, हैदराबाद के अंदर में पुणे भी गया, हैदराबाद भी गया, जैसे गेम के अंदर ऑल इंडिया में खेलता रहा देखता रहा, हमारा प्रदेश जो खेल के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ना इनके पास स्टेडियम बढ़िया है, ना इनके पास में कोचेज हैं। तो सबसे बड़ा मैंने ये गुनाहगार लगाया क्यों ना हम अभी आने वाले वक्त में जो बुज़ुर्ग पीढ़ी है उनको उठाएँ। तो इसलिए क्या है कि अभी इनको वेद प्रकाश जी को बताया गया, वेद प्रकाश पांडे जी को, फार्मा एकेडमी को, बाकी जो यूथ वाले हैं उनको बताया कि अगली बार हम लोग कराने जा रहे हैं मथुरा के अंदर में 31 साल से लेके 100 तक अचीवमेंट्स होगा, और अचीवमेंट्स में जसप्रदाई होंगी ताकि एक पुरानी पीढ़ी जगे। जब पुरानी पीढ़ी जब जगेगी तो नई पीढ़ी को वो खुद ही जगाएगी कि बेटा अब जब मैं कर सकता हूँ। घर में एक बेटा देखेगा मेरा बाप अब 50 साल की उम्र में 10 किलोमीटर दौड़ रहा है या 20 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो बेटा अपना जब मेरा बाप ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो एक सीख के लिए किया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में थोड़ा सा मैं रियलाइज किया कि मथुरा में वेटरन्स स्पोर्ट्स नहीं है, यूथ का भी इतना स्पोर्ट्स नहीं है, हालांकि ये बच्चे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में
मेरा एक अभिनंदन है, ये मेरी दिली इच्छा है कि हमारे इस प्रदेश के बच्चे विदेश तक में परचम लहराएं। हाँ, उनको एक गाइडलाइन, एक रास्ता उनको दिखाने की ज़रूरत है, वो रास्ता जो है आज के युवक के, क्योंकि देखिए काम करने का वक्त आज के युवक का है। हमारा काम क्या है, उनको उस रास्ते पे चल के दिखाना, बेटा ये रास्ता आपके जीवन के लिए सुरक्षित रहेगा। हम चाहते हैं प्रदेश का कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग डॉक्टरों की लाइन में ना लगे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ शरीर निरोगी काया। देखिए ऐसा नहीं कि आपको एक विशेष, मैं इस प्रदेश में पैदा हुआ, इस प्रदेश के बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए। यहाँ का आदमी मतलब क्या है, इतना मोटिवेटेड नहीं है कि वो मतलब क्या है, स्पोर्ट्स के नाम पर पहले वो क्या क्या बच्चों से धन को ऐंठता है और उल्टे सीधे ढंग से उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। तो मैं तो क्या ये बच्चों से यही कहूँगा कि वो अपने हक को जाने, अच्छी तरह से कोच को पकड़े और उनसे हर चीज़ को वेरीफाई करें कि मेरा ये सर्टिफिकेट डिजर्व है या नहीं है। देखिए मैं बताऊँ, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मैं आपको 4-5 जो एफिलेटेड जो मैराथन जो गवर्नमेंट से मानता प्राप्त है, लेकिन तब भी क्या 150-200 जो संस्थाएं इसको चला रही हैं वो सिर्फ क्या पैसा कमा रही हैं। वो सर्टिफिकेट ले आने के बाद में सर्टिफिकेट ले आके उसको रिक्रूटमेंट अधिकारी उस सर्टिफिकेट को नहीं मानता। वैसे आर्मी प्रोसीजर के अंदर में CRP प्रोसीजर, किसी फोर्स का आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। मान्य क्या है, उसी टाइम आपने जो अचीवमेंट टाइम दिया, आपने टाइम अच्छा दे दिया तो आपको सर्टिफिकेट का भी पॉइंट मिलेगा, अगर टाइम अच्छा नहीं दिया तो वो सर्टिफिकेट आपका ले लें। तो आजकल के जो यूथ है वो किसी भी कोच को ये फोन करता है कि मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है। जहां पर ये वर्ड आ जाता है बनवाना है, तो वो समझदार कोच होगा, वो मना कर देगा कि हमारे यहाँ सर्टिफिकेट बनते नहीं है, हमारे यहाँ सर्टिफिकेट लड़के लिए जाते हैं। तो जो कोचे सर्टिफिकेट बनवाने पर बच्चे ध्यान देते हैं, पहले गलती देखे बच्चे की, कोचों की गलती नहीं है। बच्चे उसी प्रकार चाहते हैं कि मेरे को बिना मेहनत किए बिना करके मिल जाए, लेकिन वो फिर बाद में रोते हैं, वो सर्टिफिकेट उनका नहीं चलता है क्योंकि वो ट्रायल के अंदर में वो पकड़े जाते हैं। देखिए एक चीज़ है कि पहले तो जो हाई लेवल पे जिन्होंने एफिलिएशन ले रखा, ये सारी कलाएं विदेश की है, इंडिया की तो है नहीं। हाँ, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये सारी कलाएं भारत की है। पहले ये भारत में न्योद्यम के नाम से जाना जाता था, उस कला की चोरी हुई, कॉपी हुई, विदेशों की ताकतों में चली गई। तो मतलब क्या है कि अभी जैसे चाइना है, चाइना से एफिलिएशन लिया किसी ने, अभी करने का खाली की एक आवाज़ का खाली फर्क है, आवाज़ का खाली एक कमांड का, लेकिन वो सिखाने का तरीका वही है। तो मतलब जैसे क्या है कि ये जो आपका कराटे मीन्स खाली हाथ की लड़ाई, ये बहुत भिक्षुक वगैरह अपने समाज के लिए उनको सिखाया जाता था और वो अपना बचाव कर सके। तो मतलब क्या है, जैसे क्या है, जब समलिंगिक कंगन दो चीज़ अब डिफरेंट होती है, ली आपकी जापान से थी और तो करा या आपका ब्रूसली का मैंने नाम लिया, ब्रूसली की माँ उसकी ली जो जापान से थी, चाइना से थी ली और ये थे उससे, तो दोनों का काफी फ्रिक्शन था। तो ब्रूसली कराटे मास्टर, कराटे के अंदर उसका अच्छा ये दबदबा रहा, लेकिन ऑपोजिट कंट्री ने भी उसको क्या किया, मरकरी, उसके लवर, उसके आदमी पीछे लगा के उसको मरकरी के अंदर, उसको खाने के अंदर मरकरी दिया गया और उसके आखिरी वक्त उसके वेन फटके उसकी डेथ हुई। तो मतलब ये क्या है कि किसी भी कला को आप ध्यान से सीखें, उसकी गहराई को समझें। कराटे इज रिकमेंडेड बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ओवरीज, जिस बच्चे की ओवरी मजबूत है। दूसरा चाहिए ऑब्जर्वेशंस, बच्चे को कब पानी दिया जाए। अभी क्या क्लबों में बच्चे जा रहे हैं, पानी पी रहा है, बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, वो पानी नहीं पी रहा, वो जहर का इस्तेमाल कर रहा है। एक्सरसाइज के दौरान में बच्चे को ना ही पानी पीना चाहिए, ना ही पेशाब जाना चाहिए, दो चीज़ में हमेशा प्रतिबंध रखने से बच्चा दिन पर दिन उठेगा। जो बच्चा का प्रैक्टिस के दौरान पेशाब जाता है तो ओवरी के अंदर में उसका स्पीमेंट जो है, जो बॉडी के अंदर स्पोनस पावर्स है, वो उसकी बाहर निकल जाती है। इसलिए क्या है कि एक्सरसाइज के आधा घंटा तक ना ही बच्चा पानी पिए, ना ही कुछ पेट में डाले और अपनी बॉडी को उल्टा कर दे ताकि उसका स्पीमेंट जो बॉडी के अंदर जो बना है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी हमारी 125-130 फ़ारेनहाइट में होती है, नसें हमारी मोटी हो जाती है। उसी प्रकार 10 बूंद खून से एक बूंद रज बनता है जिसको वीर्य बोलते हैं, और वही बॉडी की असली ताकत होती है। उसी समय बच्चा पेशाब करने चला जाता है
तो उसी समय वो वीर क्या ढलक करके पेशाब में आ जाता है, और उसमें क्या उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है, वो सर के ऊपर में हल्का सा उसको झटका लगता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। दैट मीन्स उसका यूरिन के साथ उसका वीर बाहर निकल गया। इसलिए क्या है कि बच्चे विशेष करके इस चीज़ का ध्यान लें कि जब मैं एक्सरसाइज के अंदर में हूँ तो अपना जैसे क्या है सवेरे उठ के कम से कम 1-1.5 लीटर पेट की हवा निकाल के 1-1.5 लीटर पानी पिए, कि बॉडी के अंदर इंसान के अंदर 77% फैट का होना ज़रूरी है। अगर आप सवेरे पानी पीते हैं तो आपका वाटर लेवल बढ़ जाता है, और जो भी एक्सरसाइज करेंगे आपका 77% से ज़्यादा आपका फैट जो बॉडी में बरकरार रहेगा और आपका प्रैक्टिस में मन भी लगेगा। देखिए आज के युवाओं पीढ़ियों के अंदर एक मेरा विशेष संदेश है कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने माँ बाप का मेहनत करना सीखें, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना सीखें। और कोई भी ऐसे ऑब्जर्वेशन आते हैं तो कोचेज बैठे हुए हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, वो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। उनसे आप संपर्क करके कभी भी आप उनका नंबर लेके उनसे बात करके उनसे आप टास्क ले सकते हैं, साहब मेरी बॉडी में ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है, ये कुछ हो रहा है। जैसे क्या है कि आपको बच्चा जब ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो उसको यूटीआई प्रॉब्लम होती है। यूटीआई प्रॉब्लम पेशाब का लाल होना, पेशाब में जलन होना। तो यूटीआई का प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रिजेक्ट तरीका है, जब नहाते हैं जो आपकी डिस्क है, जो आपका बटक के ऊपर जो डिस्क है ऊपर में पानी गिरने दें, पानी गिरने के साथ ही आपको पेशाब आएगा, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर खत्म उसका वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे इसी से डरते हैं कि मतलब मेरे को लाल पेशाब आ रहा है, मेरे को जलन हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मसल सब सेट होना, ये होना, वो होना, ये सब होता रहता है। वो आपको नहाते समय अच्छी तरह नहाएंगे, साबुन को लगा के अपने बॉडी पे 5-7 मिनट छोड़ देंगे, उससे आप मालिश करेंगे तो बॉडी का पूरा दर्द खींच लेगा। और क्या है, सबसे बड़ा एक मोटिव हमेशा याद रहे, सख्त काम सख्त आराम। जितने आप वर्जिश करते हैं, वर्जिश करने के बाद उतनी देर आप आराम करें, बॉडी रिकवरी होने के बाद में आपकी बॉडी की आँखें खुद खुल जाएंगी। और संतुलित आहार, सात्विक मनोरंजन, रात को सोते समय अच्छी बात को सोच के सोएं ताकि आपका ड्रीम आपका साकार हो।